लेक्चर 24 के अंतर्गत डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, जिसके अंतर्गत सॉल्वेबल फॉर पी था और नॉट सॉल्वेबल फॉर पी था, क्लेयर्स फॉर्म था, बहुत सारा मेथड पढ़े थे हम लोग और उसी पर प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके पहले करते हैं कि विच वन इज इन क्लियर फॉर्म, दिया गया इसमें से कौन सा क्लियर फॉर्म है। ए में दिया हुआ है वाई स्क्वायर टू पी स्क्वायर एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, बी नंबर में दिया हुआ है वाई बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स, सी नंबर में दिया हुआ है वाई स्क्वायर टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई, डी नंबर में दिया हुआ है वाई बराबर पी एक्स फंक्शन ऑफ पी। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। फिर बोलता है कि द सिंगुलर सॉल्यूशन, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ आपका वाई स्क्वल टू पी एक्स प्लस ए बटे पी इज, ए में दिया हुआ आपको सर्कल, बी में दिया हुआ है पैराबोला, सी में दिया हुआ है इलिप्स और डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज ऑफ दीज। तो देखिए फर्स्ट नंबर का आंसर जो बताया गया था कि पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी होना चाहिए, फंक्शन ऑफ पी, यानी डी नंबर आपका सही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ वाई बराबर पी एक्स प्लस ए बटे पी है ना, साफ दिख रहा है कि पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी केवल है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये तो कॉन्स्टेंट आपका है ना। तो हम बताया गया था कि अगर इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो क्या होगा, पी बराबर सी अर्बिट्री कॉन्स्टेंट, तो जनरल सोल्यूशन इज कितना हो जाएगा वाई बराबर सी एक्स प्लस ए बटे सी, समझ गए। तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए तीन रास्ता बताए थे, पहला रास्ता क्या था आपका मेथड फर्स्ट, तो मेथड फर्स्ट बताया गया था कि एक्स प्लस एफ डैश सी, एक्स प्लस एफ डैश सी बराबर जीरो, यानी कि सी के रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा है ना। दूसरा मेथड क्या था कि अगर ये क्वाड्रेटिक रूप में है तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो कर देंगे, तो क्वाड्रेटिक रूप में तो लग रहा कि हो जाएगा, क्योंकि इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग तो सी सी स्क्वायर एक्स प्लस ए कितना हो गया एक्स सी स्क्वायर उधर के माइनस वाई सी प्लस ए बराबर जीरो, ये क्वाड्रेटिक हो गया सी के रूप में। तो मेथड टू क्या था कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो क्या करेंगे डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो कर देंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स यानी कोफिशियंट ऑफ सी होगा माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स बच गया ना इंटू ए बराबर जीरो, तो कितना हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, ये क्या बन रहा है पैराबोला, तो बी नंबर सही होगा। किसी भी मेथड से निकालिए आप सिंगुलर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन सुविधा के लिए बना दिया गया था कि अगर क्वालिटी है तो डिस्काउंट बराबर जीरो, अगर क्वालिटी नहीं है तो डेरिवेटिव कर देंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि द सिंगुलर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वाई बराबर पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इच ए नंबर में दिया हुआ है वाई स्क्वायर टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर गलत है ए नंबर में दिया है सर्कल बी में दिया है पैराबोला सी नंबर में दिया हुआ है इलिप्स और डी नंबर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज None of these। तो देखिए वाई बराबर पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए और बी तो कॉन्स्टेंट है, फंक्शन क्या हो गया पी के रूप में हो गया ना। अब पी एक्स ये किस रूप में है वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ पी, इसको क्या बोलते हैं क्रेस फॉर्म। तो कभी कभी दिया हुआ कि इक्वेशन दिया हुआ है पूछ सकता है क्रेस्ट फॉर्म में कौन सा है ना और कौन सा नहीं है। एक एग्जाम्पल देंगे भी हम तो बोले कौन सा क्रेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इस तरह के एग्जाम्पल तुमको दे दिया आपको पकड़ना है कौन सा नहीं है। तो क्या हुआ जनरल सोल्यूशन कितना बढ़ गया इसका वाई बराबर सी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बहुत सेट कर दीजिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ तोड़ दीजिए इसके वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई सी प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लीजिए एक तरफ कर देते ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया सी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई सी प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर टू यह क्वाड्रेटिक हो गया क्वाड्रेटिक हो गया ना। तो क्या हुआ डिस्क्रिमिनेंट बराबर स्क्वायर टू जीरो तो बी स्क्वायर माइनस फोर से बी कितना हो गया हो गया माइनस टू एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर एक्स स्क्वायर माइनस सी के स्थान पर क्वेश्चन कितना है वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर टू जीरो कितना हो गया फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर फिर कितना है माइनस प्लस प्लस फोर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अब फिर कितना हो जाएगा माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर टू ये दोनों कैंसिल हो गया नहीं ये ना ठीक है देखिए फोर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर
y square is equal to 4 a square. अब डिवाइड कर दिए 4 a square b square सब में, क्या बचेगा? x square बटे a square y square बटे b square is equal to, यहाँ 1 हो गया, डिवाइडिंग किए हैं 4 a square b square से, क्या बन गया मेरा? इलिप्स बन गया. ये सब लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग ये करते हैं ना, सीधे करके सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं. पिछले बार वो क्वेश्चन इसमें से पूछा था कि क्लियरेंस फॉर्म में ला करके आपको दिखाना है ना कि इसका सिंगल सॉल्यूशन क्या होगा. फिर था कि इसमें पहचानना था कि कौन सा क्लियरेंस फॉर्म में है. पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है सिंगुलर सॉल्यूशन से. देख लिया सेट बना के भेज नहीं भेजेगा. वो बोले थे कि याद करवाइएगा हमको. हाँ इस चैप्टर का भेजना बाकी ना है तो बोलते थे कि मैसेज कीजिएगा तो याद पड़ता हमको, ना भूल जाते हैं. छुट्टी में ही बनता है सेट. अच्छा PDF बना के भेज देंगे तो यहाँ पर नंबर 4 ना जी. ये सब सिंपल है, बना के देखिएगा ना. 10 सिंगुलर SS मतलब क्या हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन है ना ऑफ द इक्वेशन y is equal to px plus p minus p square each. a का मान दिया हुआ है, y is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर. b is equal to दिया हुआ है, y is equal to 4x plus 1 का होल स्क्वायर. c नंबर दिया हुआ है, 4y is equal to x plus 1 का होल स्क्वायर. और डी नंबर दिया हुआ है, एक्स स्क्वल टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर. कोई आंसर लिखवा देते ना. सी नंबर बोला है ना, 5 नंबर, द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y बराबर पी एक्स प्लस पी बटे पी माइनस वन इच. ए नंबर में दिया हुआ है,
वन प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई। बी नंबर में दिया हुआ आपका वन माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई। सी नंबर दिया हुआ है वन प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई। डी नंबर में दिया हुआ है वन माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई। इसका डी नंबर बोला है, बना के चेक कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर सिक्स में दिया है द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ पी बराबर लॉग पी एक्स माइनस वाई ईच। ए नंबर में दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन। बी नंबर दिया वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस वन। सी नंबर में दिया हुआ है वाई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस वन। और डी नंबर में दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। करना कुछ नहीं, खाली एक लाइन बढ़ा दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। वी है कितना दिया हुआ लॉग पी एक्स माइनस वाई बराबर पी दिया हुआ है, लॉग हटाना पड़ेगा आपको ना, तो पी एक्स माइनस वाई के मान कितना हुआ ई टू पावर पी। तो वाई को उधर है इसको इधर लगे ना, तो वाई बराबर कितना होगा पी एक्स माइनस ई टू पावर पी। ये क्या बन गया ये हो गया क्लियरेंस फॉर्म में ना, इसका जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा वाई बराबर सी एक्स माइनस ई टू पावर सी। क्वाड्रेटिक रूप में नहीं है तो क्या करेंगे डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के रिस्पेक्ट में करेंगे ये जीरो है ना, क्या बचेगा एफ बचेगा एफ डैश क्या बचेगा ई टू पावर सी। ई टू पावर सी के मान कितना हो गया एक्स, तो सी के मान कितना हुआ लॉग एक्स फ्रॉम वन से मार रख देंगे। कितना हुआ वाई बराबर एक्स लॉग एक्स माइनस ई टू पावर लॉग एक्स। तो वाई बराबर कितना हो गया एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, क्या बचेगा इसका ये बचेगा। अब एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हुआ लॉग एक्स माइनस वन, कितना नंबर हो गया एक नंबर सही हो गया। देखिए सी जो लेते हैं पी बराबर सी है, तो कहीं कहीं क्या हुआ कि सी न लेकर केवल पी लिया है कि दोनों इक्वल है, और उसी पर सॉल्व करके बताया कि कौन सा रिलेशन से हम पी का मान इलिमिनेट करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है उसमें, तो एक बार दिए थे बनाने के तो लोग कन्फ्यूज हो गया था कि आप तो बताया था कि एफ डैश सी करके यहाँ पी दिया हुआ था, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि पी बराबर सी है।
एग्जाम्पल नंबर द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, जहां p का मान बोला है कि d बाय अपॉन डी एक्स है, इज ऑब्टेनेड ऑन इलिमिनेटिंग p बिटवीन ओरिजिनल इक्वेशन एंड द इक्वेशन ए में दिया हुआ है एक्स माइनस एफ डैश पी इक्वल टू जीरो, बी में दिया हुआ एक्स प्लस एफ डैश पी बराबर जीरो, सी नंबर में दिया हुआ है वाई माइनस एफ डैश पी बराबर जीरो, डी नंबर में दिया हुआ है वाई प्लस एफ डैश पी बराबर जीरो। इसको तो आप तुरंत बना सकते हैं अपने से भी। एग्जाम्पल नंबर एट द इक्वेशन 8ay³ = 27y वेयर पी बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स हैज सिंगुलर सॉल्यूशन चाहे एस कर दीजिए ना ए बराबर वाई बराबर जीरो दिया है ए में, बी में वाई बराबर सी, सी में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बटे, डी में दिया हुआ है वाई इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बटे ए, अब बताइए क्या हो। देखिए यहां पर जो बताया गया था जैसे हम पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसको तो जीरो हो जाएगा, यहां एच बचेगा, यहां क्या हुआ एफ डैश पी एक्स प्लस एफ डैश पी, यहाँ क्या हो गया जीरो, तो कौन सा हो गया बी नंबर, बताया था ना कि वो डेरिवेटिव क्या निकालते हैं, जैसे डेरिवेटिव करेंगे और दोनों के बीच के मान क्या करता है इलिमिनेट करते हैं, वही बताया था सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना ऑब्टेनेड ऑन इलिमिनेटिंग पी, पी के मान रखने पर ना किसके बीच में बिटवीन ओरिजिनल इक्वेशन और इस इक्वेशन, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, हम कोई सिंगुलर ई कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इसके माध्यम से हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तरह फॉर्मूला ही है आपका। अब 8ay³8a pq = 27y
अब बोलता है इसका सिंगुलर शोषण क्या होगा, बोलिए। देखिए अभी अभी पढ़े थे हम कि y बराबर पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होना चाहिए। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए टे पी क्यू फंक्शन ऑफ p है, y भी है, केवल पी एक्स अब कितना जीरो है। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पहले क्या करेंगे f डैश p निकालेंगे, 8a पी क्यू इक्वल टू 27 y, अब डेरिवेटिव करेंगे p के टर्म कितना हुआ 24 ए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ जीरो इन होगा, p बराबर कितना हो गया, अब p बराबर जीरो, अब p के मान क्या करेंगे जीरो कर देंगे, लिमिट कर देंगे, तो फ्रॉम वन से कितना होगा जीरो बराबर 27 वाई, तो 27 तो कभी जीरो होगा नहीं, तो वाई बराबर क्या होगा ऑप्शन देख के हम मिसिस बनाए ना, ये तो फॉर्मूला आता है। देखिए ऑब्जेक्टिव का कोई माय बाप नहीं होता है, जब ऑब्जेक्टिव बनाने लगिए तो कुछ कुछ रूल जो है ताक पर रख देते, मतलब तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने से पहले हमको जनरल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नियम था। लेकिन क्लियर फॉर्म में क्या था, पी बराबर सी था, अब सिंगुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन निकाले या ना निकाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं सिंगुलर सोल्यूशन। चाहे पी बराबर सी रख के निकालें सिंगुलर सोल्यूशन, चाहे पी रख के ही निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमको, सिंगुलर मतलब क्या एलिमिनेट करना है। वहाँ पर क्या था आर्बिट्री क्वेश्चन, देखिए पी बराबर सी था, इसका मतलब क्या था कि सी को एलिमिनेट करना है, तो क्या बन जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन, यहाँ पी को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बनेगा सिंगुलर सोल्यूशन, दोनों इक्वल है। तब जब हम यूटी बना थोड़ी करें कि इसका जनरल सोल्यूशन होगा पी बराबर सी रखने से, है ना, तो समझिए कि चार लाइन तो ऐसे चल गया मेरा, तो डायरेक्ट हम ये जो फॉर्मूला 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आधार पर हम ये कर सकते हैं, और इसी आधार पर हम दो क्वेश्चन देते हैं। तो मालूम से लगा कि सही है। अब एग्जाम्पल नंबर देखिए 9 कि द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ पी क्यू माइनस 4xyp प्लस 8y² इक्वल टू 0, जहाँ पी बराबर बोला है dy/dx इच ए नंबर में 27y इक्वल टू 4x, बी नंबर में 27y इक्वल टू 4x², सी नंबर में 27y इक्वल टू 4x³, डी नंबर में 27y³ इक्वल टू 4x बना करके देखिए। अभी जो बताया उस पर है ना,
एग्जाम्पल नंबर 10 द सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसे करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ए पी एक्स माइनस वाई तो एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस वन ईच ए में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन बी में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन सी में एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन डी नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। देखिए कौन सा हुआ नहीं बना पी क्यू माइनस फोर एक्स वाई पी प्लस एट वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है। अब डेरिवेटिव करेंगे थ्री पी पी स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस जीरो बराबर जीरो थ्री पी स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स वाई पी स्क्वायर इक्वल कितना हुआ फोर एक्स वाई बटे थ्री। अब पी के मान अंडर रूट में होगा पुट कीजिए पी कॉमन ले लेते हैं तो पी स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई इसका टू कितना होगा माइनस एट वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि पी स्क्वायर का मान मालूम है ना सुविधा हो ना हमको तो पी स्क्वायर के मान कितना रखे तो फोर एक्स वाई बटे थ्री माइनस फोर एक्स वाई सिक्सटी फोर वाई फोर पी स्क्वायर फोर एक्स वाई बटे थ्री एलसीएम लेंगे थ्री तो फोर एक्स वाई माइनस ट्वेल्व एक्स चाहे आप फोर एक्स वाई कॉमन ले कैंसिल कर दीजिए ना जिससे बनाने की इच्छा बनाइए तो कितना होगा जी एट ना होगा फोर एक्स वाई बटे नाइन इंटू माइनस एट एक्स वाई बटे कुछ नहीं वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया ना माइनस थर्टी टू एक्स हाँ आप चौके बत्तीस चौंसठ है ना जी तो टू वाई स्क्वायर ना कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर टू एटीन वाई स्क्वायर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है गलती कहाँ पर हुआ
अरे हाँ, यहाँ पर तो पुरस्कार दिए कि है ना, यहाँ पुरस्कार होगा ना जी, ये ना मिस्टेक हो गया। 4x/3 इंटू कितना हुआ 64, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 64y4। अब आ जाएगा ना, हाँ ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर वाई 4 से कैंसिल हो गया ना, कितना हुआ 4x² = 27y। हाँ यही है ना सिनेमा। देखिए मिस्टेक होता ना, तो बड़ा मिस्टेक तो नहीं हुआ, बड़ा मिस्टेक कभी हो सकता है, जब होगा छोटा मिस्टेक होगा। आई कब होता है, जब थोड़ा देर के लिए भी ध्यान इधर उधर जाता है तो हो जाता है मिस्टेक। और 10 नंबर तो ऐसे भी कर सकते हैं, xp-y = कितना हुआ अंडर रूट p²-1, तो y बराबर कितना हुआ px-√px²-1। इस तरह भी कर सकते हैं ना, तो जैसे बनाया वैसे बनाइए, आपको दिक्कत इक्वेशन फॉर्म आ गया आपका, डेरिवेटिव करना हुआ अब मान निकालना हुआ। ये क्वाड्रेटिक रूप में भी आ जाएगा है ना, सॉल्व करेंगे तो। इसका आंसर बोला है, आंसर लिखवाया था आपको, बी नंबर बोला है ना।